वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल। जनाब इतने खूबसूरत मेहमानों से हमने आपको मिलवाया, दुनिया न्यूज के एंकर हमारे साथ मौजूद थे। अब जरा लाहौर न्यूज की बात करते हैं। तो हमारे जो दिन भर के आप बुलेटिन देखते हैं, खबरें सुनते हैं, जो आपको खबरें पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं और बहुत एक सपाट से चेहरे के साथ, कुछ आपको नहीं पता होता कि ये असल ज़िंदगी में कैसे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो एंकर जो आपको खबरें सुना रहे होते हैं, कुछ खुदा ना खास्ता बुरी खबर भी है उसको भी सुनाना है, अच्छी खबर भी सुनानी है, लेकिन असल ज़िंदगी में वो कैसे ये आज हम आपको बताएंगे और उनसे भी मिलवाएंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर न्यूज़ के न्यूज़ एंकर अजीम राना और उसके साथ साथ मौजूद होंगी नीलम, नीलम के साथ होंगी आमिना और आमिना के साथ होंगे जॉक। आप दोनों तो अपना अपना फील कर रहे होंगे रमजान ट्रांसमिशन वाला, बिल्कुल है ना, अपना अपना सेट, अपनी अपनी वो एक फील आ रही होती है। दोनों ने रमजान ट्रांसमिशन की थी, अच्छा वो कैसा एक्सपीरियंस था? सॉरी मैं ईद की बात नहीं कर रही, सबसे पहले ईद मुबारक, ईद मुबारक आप सबको, सबसे ईद मुबारक। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस था। जब वो स्टार्ट हुआ तो नहीं पता था कि हम इतना कुछ सीख पाएंगे, लेकिन ये है कि हमारे साथ जो लाहौर न्यूज के व्यूवर्स थे उन्होंने भरपूर साथ दिया और कॉलर्स भी मौजूद रहे और एक बड़ा अपनापन सा रहा, पता लगा कि रमजान है वाकई। डिफरेंट एक्सपीरियंस था, टोटली डिफरेंट, न्यूज़ से डिफरेंट, न्यूज़ से डिफरेंट था और वैसे भी एंटरटेनमेंट से भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट डिफरेंट था। तो एक नई चीज थी, सीखने को बहुत कुछ। आज यहाँ पर अजीम और नीलम भी बैठी हुई है, वहाँ पर ही हमारे मौलाना साहब बैठा करते थे। अच्छा तो आप दोनों को बुलाना, मौलाना की सीट है, हम मिस कर रहे हैं उनको। अच्छा जी, ये तो अच्छी बात है ना, हम लोग को चांस मिला, हम लोग मतलब अच्छा अजीम आप जरा बताए ना, ईद की खुशियाँ लाहौर न्यूज के साथ तो हम मनाते हैं, खबरें पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं, वैसे घर पे क्या रूटीन होती है? हाँ जी, वैसे तो मतलब डेफिनेटली बहुत एंजॉय करते हैं फैमिली टाइम, और ईद मेरे ख्याल से एक ऐसी फेस्टिविटी है कि जिसमें आप भरपूर मौका मिलता है आपको अपने सारे जो मतलब रिलेटिव्स हैं, और वो एक बड़ा कमाल किस्म का एनवायरनमेंट बनता है, सारी फैमिली टुगेदर। लेकिन मेरे ख्याल जो अजीम अभी किताबों में रह गया होगा। नहीं नहीं, वैसे अभी अभी रियलिटी है, फैमिली जिनके ज्वाइंट फैमिली है वहां पे भी ये ट्रेंड है, और खास तौर पे ईद कुर्बान जो होती है, क्योंकि उसमें कुर्बानी का जो आपने एक फरीजा अंजाम देना होता है और फिर वो सारी फैमिली इकट्ठी होती है। अच्छा मैं बनता था वैसे, टू बी नहीं, मैं तो जब मैं था, इसकी रूटीन बड़े मजे की होती है, हमने सुबह जो ईद के लिए कपड़े पहने होते हैं वो नमाज पढ़ने के बाद दोस्त अहबाब से फटाफट मिलने के बाद घर में पहली चीज ये होती है कि कपड़े चेंज करें और अब हाँ, लेकिन ये कुछ अरसा पहले तक होता था, अब मतलब जैसे आपकी अगर छुट्टी ना हुई ना पहले दिन, मतलब मेरी छुट्टी थी पहले दिन जिस तरह, तो मैं तो वही काम, मेरी छुट्टी नहीं थी पहले दिन बिल्कुल भी, और पहले दोनों दिन जो है वो न्यूज आपने न्यूज सुनाई है। हाँ जी बिल्कुल, आपने न्यूज में छुरियां चलाई है, हमने घर में छुरियां चलाई है। अच्छा नीलम और आमिना, अमूमन खवातीन को होता है कि कुर्बानी का गोश्त है, स्मेल आ रही है, ऐसी भी चीजें नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, चिड़ नहीं, मुझे अच्छा लगता अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं वो शौक से खाती हूँ। और घर में स्पेशली ज्यादा तो टाइम हमारा काम में गुजर जाता है, शाम को जाते हैं खाना बना होता है, सिर्फ जाके खाना होता है। वो मैं भी यही नोट कर रहा था, उसने कहा खा लेती हूँ, पका लेती हूँ, पका भी लेती हूँ, और जब काम से थक के घर जाते हैं मम्मा ने सब कुछ तैयार रखा होता है, फिर सिर्फ खाना होता है और रेस्ट करनी होती है। और आप भी तो बताए ना, आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? मैं यहाँ ऑफिस में, और ऑफिस के बाद घर जाके मैंने कुछ नहीं करना होता, ऊपर जाना है, कमरा बंद करना है और सो जाना है, क्योंकि घर पे नीचे वैसे मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो मतलब यही मैंने देखा है ज्यादातर, वो ईद पे बस सुबह सुबह तैयार होते हैं और उसका पूरा दिन शुरू होते हैं। हम सुबह ईद पे तैयार होने वाला भी सुस्त होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम लोगों की रूटीन ऐसे बन गई हुई है, न्यूज में भी, प्रोग्राम में भी, तो डेली मेकअप, अब वो चाव नहीं रहा, वो शौक नहीं रहा, उस तरह से हमें वो चाव नहीं रहा, इवन सोचते हैं ईद पे जितना सिंपल रह सकते हैं उतना सिंपल रहे, इवन के आज भी हमने बहुत कोशिश की है कि हम सिंपल जाए, लेकिन ईद का थर्ड डे है तो सिंपल रहने की कोशिश की गई, अगर सिंपल रहते तो फिर सिंपल रहते तो ऐसा ही रहता। अच्छा ना, मैं तो वैसे वही बात की, न्यूज पढ़ के तैयार होके रोज, अब वैसे आपस में जब हम फ्रेंड्स रहते, शादी में भी तैयार होने का तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है ना, अब इतनी तैयारी, रोज मेकअप। अच्छा तंग नहीं आ जाते तुम लोग रोज तैयार होके? नहीं होते हैं कभी कभी, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, अगर हमने कल अच्छा वो डार्क मेकअप किया, नेक्स्ट डे हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं ताकि हमें ना वो अच्छा लगे, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सा चेंज आया हम लोगों में, वो फिर इस तरह से हम लोग इसको कैरी करके। आप लोग तो नेचर ऑफ जॉब की वजह से ये बात कर रहे हैं ना कि रोजाना मतलब तैयार हो के थक जाते हैं, लेकिन एक साइकी भी है, या मतलब शायद मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर मतलब मर्द हज़रात की ज्यादा बात करें तो मोस्टली होता है कि ये खवातीन बोलने लगे थे। नहीं, खवातीन की बात तो मैंने कर दी है ना, और इस स्पेसिफिकली जो इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, मतलब रोजाना आप लोग तैयार होते हैं तो वो तो इंटरेस्ट बिल्कुल चला जाता है, लेकिन मर्द हज़रात मतलब जॉक भी डेफिनेटली ये बात से एग्री करेगा कि मतलब जो मेल हज़रात है वो जैसे जैसे अपनी एज में बढ़ रहे होते हैं ना,
उतना ही उनमें जो है ना तैयार होने का मतलब वो कम होता जाता शौक, मतलब जब यंग थे तब बहुत दिल करता था, एक्चुअली शायद ये लगता था देखने वालों की तादाद ज्यादा होगी, तो जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता रहता है बड़े बड़े हैंडसम लोग भी देखे, मतलब यंग हम लोग अभी भी है, मैं बात कर रहा था जब बचपन में, जस्ट क्लियर कर दिया यंग है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये लोग हमसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, अब भी हम न्यूज़ में देखेंगे, आई सो एग्री, जल्दी तैयार होते हैं, आई सो एग्री विद दैट, ये आधी गवाही है, आधी गवाही है, आधी गवाही है, ये फिर भी 1.5 बनती है, ये दो गवाही है, हां बिल्कुल, सीरियसली बहुत टाइम लगाते हैं ये हजरत, हां बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, एक्चुअली नेचर ऑफ जॉब, ये तो बाल ही नहीं सेट होते, नेचर ऑफ जॉब है ना, और सारा टाइम हमें भी, और इतने कॉन्शियस होते हैं कि न्यूज में भी बैठ के रहते हैं, मेरे बाल आज ठीक नहीं बने यार, जरा वो फोन लगा ना मकार को, जरा उसको फोन लगा ना, ये सारी बात हम लोग समझ जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है, मतलब मोस्टली हम लोग तो फिर भी मतलब ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में रेडी होकर बैठ जाते हैं, नहीं आप लोग पूरा घंटा लगता है ईद पे बात करते हैं, वरना बात बहुत सी अच्छा से ईद की डिस्कशन हो रही है, ईद पर अभी हमने ना आपसे पहले जो मेहमान आए थे हमने उनसे गाने सुने, ठीक है अर्मला मुझे गाना आप लोग तैयार हो जाए क्या, आप लोगों के और अभी आप लोगों की न्यूज का इम्तिहान भी हमने लेना है, ठीक हो गया, और अभी हम आपसे बात तो करेंगे, आप लोगों से गाने सुनेंगे, लेकिन सामने एक हमारे सिंगर बैठा है साध हुसैन, और साध के होते हुए अब आपसे गाना सुनेंगे तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी, साध कैसे हैं आप हमसे वैसे भी सुनेंगे तब भी ज्यादती, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत, साथ हमारे साथ में गाना गाने के साथ ज्यादती होगी, अब हम साध से गाना सुनेंगे, साध आवाज हमें क्या सुनाने वाले, ईद का मौका है तो कुछ लाइट सा कुछ होना चाहिए, जरूर जरूर, जब कोई बात का कवर है वो किया है तो डांस डांस वो हम आपसे जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, साथ मेरा ओ हमनवा, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, जबरदस्त जबरदस्त जनाब, आप लोगों ने सुन लिया गाना, अब आप लोग अपनी फॉर्म में आ जाएं क्योंकि आप लोग बहुत खूब गाया और पूरा हक अदा किया गाने का, तो हमसे सुन के आप हर कोई बाथरूम सिंगर तो होता ही है मेरे ख्याल से, मेरे हिस्से का भी अजीब सुनाएगा, नहीं यहाँ पे हिस्से नहीं हो रहे, नहीं बांटे जाएंगे, अच्छा जनाब मुझे ये बताएं कि आप लोगों के वैसे शौक क्या है, नॉर्मली हॉबीज होती है ना क्या होती है, अजीम आपसे शुरू करेंगे, मैं तो मूवी फैन हूँ, अच्छा, और बहुत मूवीज देखता हूँ, और मेरी अपब्रिंगिंग कह लें इस तरह से हुई है कि एनवायरनमेंट फैमिली में थ्रू आउट इस तरह का था कि कोई इतनी वो नहीं थी, लाइक कोई इतना एक्टिविटीज नहीं थी, स्ट्रिक्टनेस नहीं थी,
तो वो क्या कहते हैं, वाले साहब ने भी कभी इतना फुल शौकीन उन्होंने कहा आप देखे मूवीज, हाँ लेकिन सिलेक्शन जो थी मूवीज की वो अच्छी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो अभी आप इंग्लिश मूवीज के ज्यादा शौकीन हैं। हाँ जी, मूवीज हॉलीवुड। और आपको राजीव बता दें कि जब भी हमें मेकअप रूम में कोई गाने की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम डीजे अजीम से राब्ता करते हैं, गाना प्ले कर देते हैं। अच्छा, म्यूजिक और मूवीज ये दोनों दोनों हॉबीज है। ठीक है, नीलम आपकी क्या हॉबीज है? अच्छा, मैं अगर फ्री होती हूँ तो मैं मूवीज या एनिमेटेड मूवीज, अभी कल मैं फ्रोजन देख रही थी और आज हो तो ये एक्शन मूवीज भी बहुत देखती हूँ। हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एक गुंडा बसता है। मुझे एक्शन मूवीज बहुत पसंद है, गन्स बहुत पसंद है, लाइक लड़कों वाले शौकीन नहीं बिल्कुल। मुझे गलती से घर वाले यही कहते हैं कि अल्लाह भी लड़की बना दे। ठीक है, आपकी क्या हॉबीज है? मेरी हॉबीज, हाँ मैं भी यही कहूंगी कि मुझे मूवीज बहुत अच्छी लगती है, म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है और ये गुनगुनाती है अर्मला। हाँ ये बात हो जाएगी गाने के साथ। नहीं, अभी हमने गाने सुने, किसी को नहीं छोड़ना आज हमने। अच्छा, मुझे साथ साथ स्केचिंग का मुझे अच्छा स्केचिंग जब कभी फ्री होती हूँ तो करती है। अब पता नहीं ये कब फ्री होती है क्योंकि इन्होंने कहा था स्केच बना के दूंगी। बहुत बार इन्होंने रिक्वेस्ट की है मेरा बना दो मेरा बना दो, मैंने कहा यार मुझे टाइम मिलेगा तो मैं। फिर ये फुर्सत का काम होता है, फुर्सत का काम है, मुझे पता होता है। बिजी रूटीन, सो मच बिजी रूटीन। तो आपने ये गॉड गिफ्टेड है जो आपका स्केचिंग है, ये आपने सीखी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सीखी मेरी। ये होती है कुछ चीजों को मेरे ख्याल से, कुछ मुझे लगता है तो मेरे अंदर कोई आर्टिस्टिक वो कहते हैं ना जो है चीज अंदर, और हाँ बिल्कुल आर्टिस्ट छुपा हुआ है, आर्टिस्ट छुपा हुआ मेरे अंदर। आपने खुद से तारीफें कर रही हूँ मैं, अपना को आर्टिस्ट दोनों को। इसमें एक्ट्रेस भी छुपी हुई है। हाँ, एक्ट्रेस एक्टिंग बहुत करती है। अभी ये सारे टैलेंट आपकी। मैं इस फील्ड में आने से पहले तक तो बैडमिंटन खेलता था रेगुलर, शाम का एक बड़ा हिस्सा कोर्ट में गुजर जाता था, दोस्तों के साथ वहाँ पे सारे आ जाते थे। इस फील्ड में आने के बाद क्योंकि वो तो कंटिन्यू नहीं हो सकती चीजें, तो शाम की वॉक वो मैं बहुत शौक से करता हूँ, गाने सुनते हुए आधा घंटा या घंटा। वो एक ऐसा टाइम होता है जो मैं अपने लिए गुजारता हूँ। एक किताबें पढ़ने का शौक डेवलप हुआ है, बाकी दोस्तों के साथ आउटिंग का बहुत शौक है क्योंकि मुझे जब भी किसी का फोन आता है, किसी भी दोस्त का, कोलीग्स का भी, यहाँ से किधर हो या दोस्तों के साथ हो, तो हमेशा मुझे कहते हैं यार बस कर दिया कर, कितने के दोस्त हैं तुम्हारे के साथ तुमने घूमे। अच्छा, यू आर सोशल एनिमल। एक्चुअली ऐसे है कि मैं क्योंकि ये मेरा नेटिव इलाका नहीं है। सोशल एनिमल कहते हैं एनिमल। अच्छा, इसके सामने कोई भी ऐसी बात की जाए ना, ये इसका कोई ना कोई मतलब निकाल लेती है। तो क्योंकि नेटिव इलाका नहीं है लाहौर, तो यहाँ पे ये कि बैचलर्स लाइफ के अंदर फिर ये होता है कोई ना कोई दोस्त आ जाता है या किसी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा वक्त गुजर रहा है। ठीक हो गया, हमारा वक्त भी जनाब बहुत अच्छा गुजर रहा है। हम साथ का शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू वेरी मच साथ। और हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ये हमारे पास चारों मेहमान हमारे मौजूद हैं, न्यूज एंकर्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल कहीं से न्यूज एंकर नहीं लग रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए जागो लाहौरी स्पेशल।